हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी के इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सी प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन। सी के बारे में सबसे पहली बात जो कही जाती है वो ये कही जाती है कि सी एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, तो देखिए मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, सबसे बेस लेवल पे जो प्रोग्रामिंग होती है उसको कहते हैं मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, जो कि बिल्कुल सिस्टम के बेस पे की जाती है। दूसरी, उसके नेक्स्ट स्टेप पे जो आती है उसको कहते हैं मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, मिडिल लेवल। और उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज आती है उसको कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी जो है हमारे पास वो एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं मशीन लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास मशीन लेवल लैंग्वेज की भी फैसिलिटीज होती हैं और हाई लेवल लैंग्वेज की भी फैसिलिटीज होती हैं, इसलिए ये काफी पावरफुल लैंग्वेजों में से काउंट किया जाता है। तो सी कहा जाता है कि ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है जो कि डेवलप किया गया था 1970s में। कहाँ डेवलप किया गया था, तो बेल लैबोरेटरीज एक जगह है यूएसए में, वहां पे, और एक साइंटिस्ट है डेनिस रिची, इन्होंने इसे क्या किया था, डेवलप किया था। ओके, इट हैज द कंसेप्ट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, इसके पास हाई लेवल लैंग्वेज का भी कंसेप्ट है एज वेल एज द पावर ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, और साथ ही साथ इसके पास लो लेवल लैंग्वेज का भी कंसेप्ट है। मतलब इसके पास दोनों लैंग्वेजेस, यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस और मशीन लेवल लैंग्वेजेस, दोनों लेवल लैंग्वेजेस की पावर रखी हुई है, इसलिए ये काफी स्ट्रांग लैंग्वेज होता है। द होल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा, ये पूरी पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिजाइन की गई है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो आप खुद समझ सकते हैं कि सी की क्या सिग्निफिकेंस है, कि एक पूरी पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम ही सी के द्वारा क्या कर दी गई है, डेवलप कर दी गई है, राइट। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डिराइव किया गया था, इसके पहले एक लैंग्वेज थी कि कौन सी, बी, मतलब बी लैंग्वेज थी पहले, और बी से फिर क्या डिराइव किया गया, सी को डिराइव किया गया, राइट। सिमिलरली बी के पहले भी एक और लैंग्वेज थी जिसका नाम था बीपीसीएल, सॉरी बीसीपीएल। ओके, कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जो हमारा लैंग्वेज था एग्जिस्टेंस में जो था वो था बीसीपीएल, यानी कि बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके बाद कौन सा लैंग्वेज आया, बी लैंग्वेज आया, और फिर उस बी लैंग्वेज को और मॉडिफाई किया गया तो कौन सा लैंग्वेज आया, सी लैंग्वेज आया, राइट। तो ये था इसका इवेल्युएशन, बीसीपीएल से बी लैंग्वेज हुआ, फिर बी लैंग्वेज से सी लैंग्वेज हुआ, जो कि बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज इसमें काउंट किया जाता है, जिसके जरिए एक पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि यूनिक्स है, इसे क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम सी प्रोग्रामिंग को इंस्टॉल कैसे करेंगे। ठीक है, सी को इंस्टॉल करने के लिए आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं, ये लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इंटरनेट पे, और इस लिंक पे आप सी प्लस प्लस के एनवायरमेंट को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पे आप वेरी इजीली सी के प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। स्टेप्स क्या होंगे इसके, स्टेप नंबर वन ये कहता है कि आपको सबसे पहले डाउनलोड करना होगा टर्बो सी प्लस प्लस। अब एक कंफ्यूजन आपको आ सकती है कि सर आप तो सी पढ़ा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जो है सी प्लस प्लस का डाउनलोड करना है। तो देखिए सी या सी प्लस प्लस, इन दोनों के इन्वायरमेंट्स लगभग बहुत सेम होते हैं, बहुत कम का डिफरेंस होता है, इसलिए आप सी प्लस प्लस भी इंस्टॉल करके बड़े आसानी से उसमें सी के प्रोग्राम्स को भी क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसलिए हम बेसिकली जब भी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो सी प्लस प्लस भी हो जाएगा, और सी के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो सी का प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इस लिंक पे जाके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारे टर्बो सी प्लस प्लस के वर्जन को, फिर उसको आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने से पहले एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास सी प्लस प्लस का कोई प्रायर वर्जन, यानी कि सी प्लस प्लस का कोई पुराना वर्जन आपके सिस्टम में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी ये इंस्टॉल होगा, राइट। डाउनलोड करने के बाद आप ये कंफर्म कर ले कि आपके पास जो सी प्लस प्लस का कोई प्रायर वर्जन तो आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, अगर है तो पहले उसे अनइंस्टॉल करें, उसके बाद जो ये फाइल आपने डाउनलोड की है उसको एक्सट्रैक्ट करें और डाउनलोड करें, और सेटअप डॉट ई एक्स जो हमारा फाइल है उसको आप क्या करें, रन करें, और फाइनली आप देखेंगे कि आपके सिस्टम में टर्बो सी प्लस प्लस क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, राइट।
जब आपने टर्बो सी प्लस प्लस इंस्टॉल कर लेंगे तो एक टर्बो सी प्लस प्लस का आइकन आपके सिस्टम के सामने अपीयर हो जाएगा डेस्कटॉप पे, और जिसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन खुल के आएगी। ये है टर्बो सी प्लस प्लस की स्क्रीन, जहाँ पे अगर आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जिस बटन का नाम है स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस। इस बटन पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और इस बटन पर क्लिक करते ही आपका टर्बो सी प्लस प्लस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। जब टर्बो सी प्लस प्लस आप ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक नए फाइल के साथ ही ओपन होता है, यानी कि जैसे ही टर्बो सी प्लस प्लस आपने ओपन किया, एक नया फाइल खुल के आपके सामने आएगा जहां पे आप सी के कोड को लिख सकते हैं, ठीक है, और बड़े आराम से सी प्लस प्लस को डेवलप कर सकते हैं, सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को भी डेवलप कर सकते हैं एज वेल एज सी के प्रोग्राम को भी डेवलप कर सकते हैं। राइट, तो हम इस वीडियो सीरीज में सी के प्रोग्राम्स की बात करेंगे, और हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि चाहे वो सी प्लस प्लस हो और चाहे वो सी हो, इन दोनों को हम इसी इन्वायरमेंट में रन कर सकेंगे। तो एक ही इंस्टॉलेशन से आप सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को भी रन कर पाएंगे और सी के प्रोग्राम को भी क्या कर पाएंगे, रन कर पाएंगे। तो अब आते हैं कि सी के प्रोग्राम को अगर हमें लिखना हो तो कितने स्टेप्स में लिखा जाता है। सी का प्रोग्राम तीन स्टेप्स में लिखा जाता है। पहला स्टेप होता है, सबसे पहले हम क्रिएशन ऑफ द प्रोग्राम करते हैं, यानी प्रोग्राम को पहले बनाते हैं, उसके बाद उसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने का मतलब क्या होता है, देखिए हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, और कभी भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स जो होते हैं वो रन नहीं होते हैं, इन्हें हमें कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, बाइनरी फॉर्मेट में, या यूं कह लें बाइनरी को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, और तभी वो एग्जीक्यूट होते हैं। कंपाइलेशन के दरमियान हमने जो कोड लिखा है उसमें अगर कोई एरर्स भी है तो भी वो क्या करता है, हमें एरर्स को प्रोवाइड करता है, दिखाता है कि ये आपके प्रोग्राम में एरर्स हैं, हमें उसे दूर करना होता है, और दूर करने के बाद ही हम क्या करते हैं, दूर करने के बाद ही हम प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, फिर प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, और फिर लास्ट में हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। राइट, अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे पास कोई शॉर्टकट्स हैं, तो हाँ मेन्यूज भी हैं और शॉर्टकट भी है। अगर हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहते हैं तो हम ऑल्ट F9 यूज़ करते हैं। राइट, अगर हम प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तो कंट्रोल F9 यूज़ करते हैं। राइट, और अगर हम अपने प्रोग्राम के आउटपुट को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऑल्ट के साथ F5 भी यूज़ करते हैं। तो ये की कॉम्बिनेशन यूज़ होता है कंपाइल के लिए, ये की कॉम्बिनेशन रनिंग के लिए, और ये की कॉम्बिनेशन अपने प्रोग्राम के फाइनल आउटपुट को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। इंस्टॉलेशन के बारे में प्रैक्टिकली इंस्टॉल करके देखते हैं। हम कोई भी एक वेब ब्राउजर यूज करेंगे, और जो लिंक मैंने वहां दी है उस लिंक को आप यहां क्या करेंगे, लिखेंगे। ओके, तो ये लिंक है हमारी, जहां जो लिंक मैंने आपको अपने वीडियोस की सीरीज में दी हुई है, जो वीडियोस जो लिंक मैंने आपको अपने प्रेजेंटेशन में बताया, वो लिंक यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो कुछ स्क्रीन ऐसा खुल गया आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको किस पे क्लिक करना है, इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी, तो यू हैव टू वेट फॉर द डाउनलोड फिनिशेस। ये देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। राइट, इसे हम अब ओपन करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास setup.exe नाम की फाइल है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और ये सेटअप क्या हो जाएगा, चलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए सेटअप इज गोइंग ऑन, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, इंस्टॉलेशन चल रहा है। यहाँ आपको नेक्स्ट करना है। ऑलरेडी आपके पास, अगर मेरे पास कोई वर्जन ऑलरेडी है इसलिए मॉडिफाई दे रहा है या रिपेयर दे रहा है, आपके पास अगर कोई वर्जन नहीं होता तो ये इंस्टॉलेशन देता। ठीक है, तो मैं मॉडिफाई करता हूँ ताकि जो भी प्रीवियस वर्जन है वो मॉडिफाई हो जाए, और यहाँ मैं इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ पे आपको यस करना है, और यहां क्या करना है, आपको फिनिश करना है। राइट, जैसे ही आप फिनिश कर लेंगे अपने डेस्कटॉप पे आप जाएंगे और स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके टर्बो सी टाइप करेंगे। देखिए यहां टर्बो सी प्लस प्लस ये अपीयर हो चुका है, टर्बो सी प्लस प्लस, जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है। ये देखिए ये स्क्रीन खुला आपको, जो यहां पे एक बटन है वो है स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस, बस इस पे आपको क्लिक कर देना है, टर्बो सी का एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और एक नए फाइल के साथ ये ओपन हुआ है। राइट, अब आपको यहां से पहले बाहर निकलना है, तो फाइल मेन्यू में जाएंगे और किस पे क्लिक कर देंगे, क्विट पे, तो ये आपका क्या कर देगा, आपको बाहर लेके चला आएगा। राइट, तो ये था सी का इंस्टॉलेशन और इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियोस में हम सी के बारे में आगे पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।